नहाने के तुरंत बाद हमें अपने फेस पे क्या लगाना चाहिए, तो आज का मेरा यही विषय है। अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि हम नहाने के तुरंत बाद कौन सी क्रीम लगाएं, खासकर जो लेडी लड़कियां हैं कंफ्यूज रहती हैं कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, तो मैं आज कुछ क्रीम और कुछ लोशन के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके स्किन टाइप का हो सकता है। अगर गाइस आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो एप्पल का ये वाला क्रीम मंगवा लें, फ्रूट क्रीम है, बहुत ज़्यादा ऑयल बेस है, इसमें पिंक कलर का है, तो ये आप लगा के 5 मिनट मसाज दें। और गाइस मसाज करने के बाद आप उसको गीले टिश्यू से ज़रूर साफ कर लें, नहीं तो फेस जो है ऑयली ऑयली चिपचिपा सा लगता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको 5 मिनट मसाज ले लेना है अपने फेस पे और उसके बाद से उसको पोंछ देना है, तो पूरे दिन मॉइस्चर लॉक रहेगा आपके फेस पे अगर आप ये वाला लेना चाहते हो तो। और इसका प्राइस और वो बता देती हूँ मैं क्वांटिटी, तो गाइस इस पे लिखा है 105 रुपीज़ और इसकी क्वांटिटी है 180 ग्राम, यानी कि 180 ग्राम आपको 105 रुपीज़ में मिलता है, चीप एंड बेस्ट है। और ये बहुत ही ज़्यादा इसमें ऑयल बेस है तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है, नॉर्मल स्किन वाले सर्दियों में लगा सकते हैं। अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो आप ये मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, BLCC का हनी मॉइस्चराइजर है ये, और इसका क्वांटिटी और प्राइस बताती हूँ मैं गाइस, इसका प्राइस है 250 रुपीज़, ऑनलाइन आपको कभी कभी सस्ते में भी मिल जाते हैं, ऑफर में मिल जाता है, तो ये शायद मैंने 200 में परचेज की थी ऑनलाइन अमेजोन से। तो इसकी क्वांटिटी है 100 ml, यानी कि 100 ml आपको 250 में इसका लिखा हुआ है, बट ये 200 में आ जाता है ऑफर में ज़्यादातर। तो VLCC का ये वाला मॉइस्चराइजर आप नहाने के तुरंत बाद नॉर्मल स्किन वाले लगा सकते हैं। तो ये दो हो गया, अब आई बारी ऑयली स्किन वाले के लिए। तो ऑयली स्किन वालों को सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है क्योंकि नहाने के कुछ देर बाद ही फिर से पसीने आना शुरू हो जाता है, तो लेकिन आपको अपने स्किन को प्रोटेक्ट रखने के लिए धूप से, या फिर आप किचन में जाते हो या फिर फ़ोन में से जो रेडिएशन निकलता है, जो फ्लैश लाइट निकलता है फ़ोन से, तो उसको भी आपको, उससे भी आपके स्किन को प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं तो आप अपने फेस पे नेक पे कोई क्रीम या फिर लोशन का ज़रूर अप्लाई करके रखें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऑयली स्किन वाले के लिए मैं कहूँगी कि सबसे, अगर आप सस्ता या फिर एकदम नॉर्मल चीज़ लगाना चाहते हो तो आप एलोवेरा जेल मंगवा लें, पतंजलि का आप ज़रूर लगाएं, इससे आपके ऑयल भी धीरे धीरे कम होता जाएगा फेस का और आपके मॉइस्चर भी लॉक रहेगा, और प्लस आपके जो अगर फाइन लाइन रिंकल्स आ रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आप और एक चीज़ लगा सकते हैं जेल, ये वेस्टीज कंपनी का है, एश्वीर एलो एंड कुकुम्बर जेल है, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए ये भी बेस्ट है और ये फाइन लाइन और रिंकल को भी ख़त्म करता है, लेकिन ये ड्राई स्किन वाले अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो उनको उतना बेनिफिशियल नहीं होगा इससे, क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों के लिए है। तो ये 3 टाइप के स्किन का मैंने बता दिया, नॉर्मल एंड ड्राई एंड ऑयली स्किन के लिए। और एक बात बताती हूँ, अगर आपको आपका स्किन कैसा भी हो, ऑयली ड्राई या फिर नॉर्मल, अगर एक और चीज है मेरे पास कि नहाने के तुरंत बाद हम लगा सकते हैं, तो वो है मेरे पास पीच मिल्क क्रीम है, ये लैक्मी का पीच मिल्क है, ये ऑल स्किन टाइप है, इसे कोई भी लगा सकता है। अगर आपके पास ये सब नहीं लेना है आपको तो आप ये परचेज जरूर करिए और इसे आप रखिए नहाने के तुरंत बाद, इसे बच्चे भी लगा सकते हैं और आप भी लगा सकती हैं। बहुत ही हल्का है, इसमें ऑयल भी कम है और सॉफ्ट भी हो जाता है, तो गाइस मैं तो यही लगाती हूँ और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आज मुझे यही लगाना था इसलिए मैंने फेस पे यही लगा के दिखाया, बाकी का मैंने बता दिया, आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से परचेस कर सकती हैं। तो पीच मिल्क ऑल स्किन टाइप है और नहाने के तुरंत बाद हम लगा सकते हैं। तो ये हमारे नहाने के बाद लगाने के कुछ क्रीम और जेल बताए मैंने, लेकिन अब बात आती है बच्चों की कि अगर हम अपने बच्चों को नहलाने के तुरंत बाद क्या लगाएं। बहुत सी लेडी हैं जो नारियल तेल लगा देती हैं, मौसम के हिसाब से आप नारियल तेल भी लगाएं, जगह के हिसाब से कि आपका जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उस हिसाब से हम नारियल तेल का यूज़ करते हैं। लेकिन ऑल इन वन एक चीज़ है मेरे पास जो हम बच्चों को लगा सकते हैं, चाहे बच्चे स्कूल जाएँ चाहे घर में रहें नहाने के तुरंत बाद। तो मेरे पास है एमवे का हनी एंड ग्लिसरीन का ये लोशन है, जो छोटे से छोटे बच्चों को भी हम लगा सकते हैं गाइस, और बहुत ही अच्छा है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा ये, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगाया है। और इसका प्राइस मैं बता दूँ, 440 रुपीज़ का है ये और इसकी क्वांटिटी है 250 ml,
तो ये मैं कहूँगी बच्चों के लिए, क्या ये बड़े भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, फुल हर्बल है और बहुत ही अच्छा है। तो मैं ये पंप करके दिखाती हूँ एक बार। तो मैं ये पंप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं ऐसे नहीं दबा पा रही हूँ, इतना प्रेशर नहीं दे पा रही हूँ, मुझे थोड़ी दिक्कत है हाथ में, मैं एक हाथ से प्रेस नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैंने यूं दबाया। वरना आप टेबल के ऊपर रख के एक पंप निकाल सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है। चाहे आप बच्चों के पूरे बॉडी पे आप इसको लगा सकते हैं, फेस पे भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और एमवे का है तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा है। तो गाइस, इन सब चीज़ों को आप अपने स्किन के टाइप के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना स्किन पहचानना चाहिए। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है अपनी स्किन पहचानने के लेके, तो मैं अगली वीडियो में स्किन के टाइप को भी मैं लेके एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कैसा स्किन है आपका और आप अपने स्किन को किस तरह से पहचान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।